पुरानी डायरी मिली है जो पहले लोग ग्रीटिंग दिया करते थे ना, और नया साल देखो आने वाला है 2025 आने वाला है, ये 24 चला जाएगा, 24 को बोलेंगे है बाय बाय तक ताकत। पायल की झनकार रस्ते रस्ते नया साल मुबारक हंसते हंसते। तो फ्रेंड पहले के जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं चलते थे, ये चिट्ठी कबूतर ये सब चला करते थे पहले, मोबाइल दूसरे को शायरी लव लेटर भेजा करते थे। डायरी में है वो जितने भी पुराने शायरी वगैरह सब इसमें अपलोड की गई है, मतलब बार जब मैं छोटी थी तो कीपैड नोकिया का मोबाइल आया था हमारे घर। फ्रेंड ये डायरी पता है किस सन की है, ये डायरी 2006 की है। व्यू हैप्पी न्यू ईयर, तो मैं अभी से आपको बोल रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, आने वाला हैप्पी न्यू ईयर। अभी फोटो की हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा, तो इश्क हम भी रखते हैं। हेलो फ्रेंड वेलकम, हेलो फ्रेंड वेलकम माय यूट्यूब न्यू ब्लॉग। तो सब फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में पिंकी देवी का भी। तो सब फ्रेंड आप कैसे, उम्मीद करते आप अच्छे होंगे और मैं भी फिलहाल अच्छी ही हूँ। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल आपके सामने पेश हो रहा है, तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मेरा इस विषय में चुप्पा एंड बैठे रहने को बहुत मरी हूँ। हाँ ये मेरे दीदी का लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान करता है फ्रेंड, तो मतलब कि हम चार बहन है और एक भाई है, तो मेरी तीनों दीदी की शादी हो गई और फिलहाल मेरी अभी नहीं हुई है। तो फ्रेंड मेरी दो दीदी थी, वो दीदी मतलब कि एक मुझे पुरानी डायरी मिली है, पुरानी डायरी मैं बहुत दिन से रखी थी, तो मेरी फर्स्ट वाली दीदी है, तो उसमें लिखा करती थी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करती थी मेरी फर्स्ट वाली दीदी। और उसी डायरी में मेरी दूसरे नंबर की दीदी भी कविताएं शायरी दोहे जो पहले लोग ग्रीटिंग दिया करते थे ना, और नया साल देखो आने वाला है 2025 आने वाला है, ये 24 चला जाएगा, 24 को बोलेंगे है बाय बाय तक खत्म होने वाला है 2 महीने बाद न्यू ईयर से। तो अभी हम मतलब कि एडवांस में हम बोल रहे हैं न्यू ईयर आने वाला है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी विषय में मैंने कहा कि नया वर्ष आ रहा है, तो वो जो डायरी में लिखा है तो मैं वो आपको सुनाऊं। बहुत ही अच्छे शब्द, बहुत अच्छे लाइन लिखे हुए हैं और बहुत ही प्यारे लाइन है। मेरी फर्स्ट वाली दीदी लिखा करती थी कविताएं शायरी दोहे, क्योंकि पहले सब लोग दिया करते थे ग्रीटिंग फ्रेंड लोगों को, लेकिन अब ज़्यादा नहीं देते हैं क्योंकि जब से मोबाइल चल गया है तो हर कोई मोबाइल में बिज़ी कर देते हैं, तो इस वजह से मतलब उन लोगों का शौक नहीं रह गया है। और मेरी दूसरी नंबर की दीदी भी लिखा करती बहुत अच्छी कविता है, तो वो आपके सामने पेश करूंगी। तो फ्रेंड ये इसमें इस झोले में रखी हुई है, दो डायरी है और इसी में मैं भी लिखा करती थी, तो मैं मेरा शौक था गाना लिखने का, मेरा गाना लिखने का शौक था, मैं गाना वाना बहुत इसमें दादरा वगैरह सब कुछ लिखा रहता था। ये दो डायरी है, तो मैं पहले सबसे पहले ये वाली डायरी खोलूंगी, ये मतलब सबसे बड़ी डायरी है। फर्स्ट नंबर की दीदी मेरी इसमें ज़्यादा लिखा करती थी डायरी में कविता है, तो मैं आपको सुना रही हूँ वो लाइन है। ये ब्लॉग है, तो ब्लॉग में मैं आपको पूरा नहीं सुना पाऊंगी, बस थोड़ा ही बहुत सुनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं शॉर्ट वीडियो में एक एक पन्ना में जो लिखा था एक एक पेज के मैं सब कुछ शेयर करूंगी शॉर्ट वीडियो में। अपने ये ब्लॉग है तो जो जितना है उतने मैं शॉर्ट करके इसमें आपको बता रही हूँ क्या लिखा है। मेरी दीदी लिखा करती थी पहले शादी के पहले की डायरी, बहुत ही प्यारी लाइनें हैं, तो मैं वो पेश करना चाहती हूँ। तो सबसे फर्स्ट पेज में देखो, पहले हम खोल गए, इसमें अखबार चढ़ा है, ये पुरानी फट गई है, बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है इसमें चढ़ा हुआ, तो मैं अपनी दीदी की लाइनें सुनाऊंगी दीदी के। हाँ तो इसमें पता नहीं मेरी दीदी रेड कलर से लिखा है, ये देख सकते हैं आप रेड कलर से लिखा हुआ है। तो इसमें क्या था दीदी, कोई वादा नहीं फिर भी तेरा इंतजार है, जुदाई के बाद भी मुझे तुमसे प्यार है, तेरे चेहरे की उदासी कुछ कहती है मुझसे बिछड़ कर तू भी बेकार है। तो ये लाइनें हैं रेड कलर के पेन से लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है राइटिंग क्या लिखा है। मैंने किस्मत से पाया है तुझे, शिद्दत दीवानगी से आई है, चाहा है तुझे छोड़कर जमाने की हर खुशी, अपना हम सफर बनाया है तुझे। बहुत ही अच्छी लाइनें इसमें लिखी हुई हैं, बहुत ही पुराना गुलाब का फूल भी इसमें दबा हुआ है इस डायरी में, ये देखिए गुलाब का फूल। मैं भी कहीं से तोड़ के लाया करती थी ना, डायरी में दबा दिया करती थी, बहुत शौक था कि कॉपी किताबों में भी हम दबा दिया करते थे। सबसे फर्स्ट पेज में लिखा है ये देखिए दो है, सबसे फर्स्ट पेज में लिखा है नया वर्ष आ रहा है, बहुत ही मतलब की दर्द भरे शायरी लिखी हुई है। तो देखिए कौन कहता है कि प्यार पूरा है, प्यार का पहला ही अच्छा अधूरा है, बहुत अच्छी लाइन है, शॉर्ट वीडियो आपने देखा ही होगा। भेज रही हूँ प्रेम ग्रीटिंग पाते गले लगा लेना, अगर ग्रीटिंग स्वीकार ना हो इसे प्यार जला देना, जब जल कर ये राख हो जाए मेरी ओर उड़ा देना। वाह 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 क्या सारी है, बहुत अच्छी। इधर पटांग फट गई थी डायरी, तो ऊट पटांग पन्ने इधर उधर,
लिख गए हैं, मतलब कि चिपका दिए गए हैं अच्छे से। मुझे नहीं पता था पहले, बचपन में मैं बहुत संभाली थी, वरना ये डायरी जाने कब को फट जाती, कब को निपट जाती, कब को मतलब कूड़ेदान में फेंक जाती। लेकिन मैंने इन डायरी को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा था, ऐसे ही मुझे अच्छा लगता था। तो पता नहीं कोई पन्ना इधर था कोई उधर था, उत्पटांग पन्ने थे, तो इसमें बहुत से पन्ने छुपे हुए, तो ढूंढना पड़ता है कि कौन सी लाइनें कहाँ पे छुपी हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे लाइट आ गई है, तो मैंने सोचा थोड़ा जंगला में मोबाइल रख लिया है, यहाँ पे सुनाऊंगी तो अच्छे से सुनाई देगा। वहाँ पे अंधेरा था तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। शाम हो गई है, शाम को 4:20 हो रहा है फ्रेंड, तो शाम को 4:20 हो रहा है, 4:20 हो रहा है फ्रेंड। तो शाम को मैं वीडियो ये ब्लॉगिंग शूट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं वीडियो यहाँ पे मैं सारी आपको सुनाऊंगी अच्छी अच्छी है। तो ये छोटे इसमें बहुत अच्छे लिखे, इसमें मेरी दूसरे नंबर की दीदी लिखा करती थी और इसमें मेरी फर्स्ट वाली दीदी लिखा करती थी, और मैं दोनों में मैं अपनी फिल्मी गाने लिखा करती थी। मेरे तो बस यही कीपैड के जो कीपैड पे व्हाट्सएप में जो फर्स्ट टाइम मोबाइल आया था, फर्स्ट टाइम कीपैड में, तो शायरी वगैरह मोबाइल के मैं इसमें लिख लिया करती थी। तो वो तो भला चले हुए हैं, लेकिन मेरी दीदी वाले सुनाती हूँ। तो दीदी जो मतलब थी, तो देखिए फ्रेंड दे, तो मैं सुना रही हूँ। ओके फ्रेंड देखिए, जब याद तुम्हारी आती है तो दिल थाम लेती हूँ, आंसू टपक पड़ते हैं जब तुम्हारा नाम लेती हूँ। ओके गंगा जमुना में जब तक पानी रहे मेरी प्रिय सहेली, जब तक तेरी जिंदगानी रहे। फिर नेक्स्ट है, ये अटूट बंधन एक मीठा एहसास है, हर पल हो तुम मेरे दिल के पास है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है दूसरी लाइन, तुम जिसे चाहती हो दिल और काशी के लिए, तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है जिंदगी के लिए। फिर मतलब 13वें नंबर में लिखा हुआ है, आऊँगी मैं रात को रहना तुम तैयार, उस तैयार आधी रात को खिड़की से रस्सी देना डाल। फिर 14 नंबर में लिखा है, फोर्थ में, फूलों का महकाना मुबारक हो आपको, इस साल का हर दिल मुबारक हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, नदी सूख जाती है तो लहरें याद आती है, आंगन आप, ये मुझे समझ नहीं आया, मैं दूसरा पन्ना पढ़ूं। फिर देखिए 17 नंबर की प्यार भरी शायरी, खुदा के द्वारा पर फरियाद करती हूँ, खुशी रहे वे जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। फिर 13वें नंबर में, रहती हूँ अतर्रा में सोती हूँ जमीन पर, जब तुम्हारे याद आती है तो रोती हूँ कलेजे पे। वाह वाह वाह। फिर 19 नंबर में, दो दिल पे दिल दो किसी एक को, मंदिर का प्रसाद नहीं जो बांटो हर एक को। ये मंदिर का प्रसाद नहीं जो बांटो हर एक। फिर लिखा हुआ इसके बाद, सात पर्दों में भी रहूं फिर भी दिल धड़का करता है, जब सामने से गुजरते हो तो दुपट्टा सर का करता है। फिर इसके बाद है, चांद को चकोर देखता है, आकाश को मोर देखता है, हमें खराब जब लगता है जब आपको कोई और देखता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर नेक्स्ट है, दिल रुबा लिखूं या महरूब लिखूं, हैरान हूं सनम तेरे पत्र में क्या लिखूं। फिर नेक्स्ट है, कला की जिंदगी कलाकार के लिए, प्रेम की जिंदगी बस प्यार के लिए। फिर इसके बाद है, घर पर होती रोज मिलती, अब मिलती सोलो साल में, पक्षी होती उड़कर आती, पप्पी लेती गालों में, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, जिंदगी से प्यारे आप। फिर नेक्स्ट है, पेड़ से गिरता है पत्ता, उगता है कोई, मोहब्बत तो सभी करते हैं लेकिन निभाता है कोई। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, जितने मोड़ तेरे जुल्फों में है उतने मोड़ मेरे रस्तों में नहीं, जितना रस तेरे गालों में है उतना रस अंगूरों में नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, चांदनी चांद से जिक्र करती है तन्हाई की रातों में, भोजन की थाली भरी उसमें पड़ा पनीर, ये तो आप मिले या तो भेजे तस्वीर। फिर नेक्स्ट है, ग्रीटिंग पढ़ने वाले जरा जुल्फे हटा कर पढ़ना, ग्रीटिंग है मोहब्बत का जरा दिल लगा कर पढ़ना। ओके फिर इसके बाद है, मैना बैठी थी डाल पे समझा ये तोता है, जब याद आपकी आती है तो दिल हमारा रोता है। फिर नेक्स्ट है, माली के बाग में तोता करे पुकार, सजना हमसे रूठ गए तो जीना है बेकार। फिर नेक्स्ट है, वो चांदनी बेकार जिसमें उजाला ना हो, वो हुस्न बेकार जिसे चाहने वाला ना हो। वाह वाह, तू ही मेरी बांसुरी जिसमें मेरी तान है, दिल की बात क्या कहूँ मुझ पे जान कुर्बान है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, किसी ने नज़र से नज़र जब मिला दी, मेरी जिंदगी झूम कर मुस्कुरा दी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, हमें चाहिए कुछ और दिल काशी के लिए, तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है जिंदगी के लिए। फिर नेक्स्ट है,
फूल गिर जाता है डाली से जुदा होके, हमको हम गम होता है आपसे जुदा होगा। फिर नेक्स्ट है, बागों में फूल खिलते हैं बहार बनकर, इस पत्र को पढ़ना अपना समझकर। फिर नेक्स्ट है, कमल या फूलों का महकना मुबारक हो, आपको इस साल का हर दिल मुबारक हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, पायल की झनकार रस्ते रस्ते नया साल मुबारक हो, हंसते हंसते। पायल की झनकार रस्ते रस्ते नया साल मुबारक हो, हंसते हंसते नया साल आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर 2025 आने वाला है ना। दो फिर ये, नदी सूख जाती है तो लहरें याद आती है, अगर आप चले जाते हैं तो बचपन याद आती है, तो मैं अगली में सुना चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट है, फूल गुलाब से दूर होती है खुशबू से नहीं, तुम हमसे दूर हो मेरे दिल से नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ऊंचा कुआं चबूतरा उसमें लगा खजूर, सॉरी 5 पैसों का मोह न करना ग्रीटिंग देना जरूर। ये बहुत ही पुरानी दोहा है, बहुत पुरानी, सबको याद होगा, पहले लिखा करते थे सहेली की जब ग्रीटिंग लोग दिया करते थे। तो फिर नेक्स्ट है, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, पत्र है महबूब का स्वीकार कीजिए। ये तो बहुत ही पुराना है, ये तो आप फिलहाल सुन ही चुके होंगे शॉर्ट वीडियो में। और फिर ये, आंगन में लगी तुलसी कभी तोड़ी नहीं जाती, बचपन की दोस्ती कभी छोड़ी नहीं जाती। फिर इसमें लिखा है, जा जा ग्रीटिंग चमकते चमकते सहेली से कहना नमस्ते नमस्ते। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ग्रीटिंग में रखा अंगीठी में रखा दूध मलाई दे रहा है, नया वर्ष आपको बधाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट है, गोरे गालों को पसंद करती है होठों को नहीं, हम तुमको पसंद करते हैं किसी और को नहीं। फिर नेक्स्ट है, जलती आग को राख कहते हैं, बुझी राख को राख कहते हैं, जो मोहब्बत करके भूल जाए उसे धोखेबाज कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, तुमसे है मोहब्बत हम ना किसी से मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे सिवा दुनिया में किसी से भी मोहब्बत नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है, कॉलेज बंद रहता है रविवार को, नया साल मुबारक को पूरे परिवार को, लक्ष्य जैसी खुशबू होगी नहीं, तुम्हारे जैसी सहेली नहीं हिंदुस्तान में, हम तो रहे पहाड़ पर तुम महलों के बीच, अब तो मिलना मुश्किल क्या करूं मैं काम, गुरु जी आए द्वार पर जागो राजकुमार हित। ये तो नहीं, इतने दिन हो गए पत्र नहीं भेजा, रो रही हूँ कब से टक टक है कलेजा, वाह वाह। ऊपर से गिरता है फूल, कांटों ने रोक लिया, हम तो निकले सहेली से मिलने, घर वालों ने रोक लिया, तमन्ना है दिल पर आप पर फिदा ना हो जाए, मगर डरते हैं कहीं तुम जुदा ना हो जाए। फिर नेक्स्ट है, मैंने कहा किस, उसने कहा एक्स, मैंने कहा थैंक यू, उसने कहा आई लव यू। फिर नेक्स्ट है, चिता जल जाती है मगर राख पड़ी रहती है, मोहब्बत टूट जाती है मगर याद बनी रहती है। फिर नेक्स्ट है, नैना विकट बना के आशिक ना मारिए, अटपट ये शान बना के आशिकाना मारिए। फिर नेक्स्ट है, नदी सूख जाती है तो लहरें, ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट है, रेडियो से बात करूँ या टेलीफोन से करूँ, सहेली मेरी इतनी दूर मुलाकात कैसे करूँ। फिर नेक्स्ट है, हरे हरे बागों में मेरा इंतजार, अगर मैं ना आऊँ तो राहों से प्यार। तो फ्रेंड बहुत बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये मेरा ब्लॉग, तो इसमें बहुत सारी शायरी लिखी हुई है, देख सकते हैं बहुत सारी शायरी। ये फ्रंट कैमरा है, उस वो जो बना रही थी तो पीछे का कैमरा था, फ्रंट कैमरा है, फिर भी इसमें बहुत सारी लिखी हुई। गुलाब का फूल देखो दबा हुआ है, देख सकते हैं। फ्रेंड ये डायरी पता है किस सन की है, ये डायरी 2006 की है, 2006 की ये डायरी है फ्रेंड। अब सोचिए कितनी पुरानी डायरी है, मैंने अभी तक संभाल के रखा है फ्रेंड। और ये शायरी कब से लिखना स्टार्ट हुआ वो भी मैं बता दे रही हूँ, कौन से सन की है। इसमाली के बाग में तोता करे पुकार, सजना हमसे रोट गए तो जीना है बेकार, आई लव यू, हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं अभी से आपको बोल रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एडवांस समझिए या मतलब वही, तो 2025 आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर अभी से बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो ये बहुत ही पुरानी, देखिए इसमें मेरी दूसरे नंबर की दीदी लिखा करती थी ये छोटी वाली डायरी में, और इसमें मेरी फर्स्ट वाली दीदी लिखा करती थी, और मैं दोनों में जो मन में आता था वही मैं भी लिख देती थी। तो मेरी तो वही आजकल के युग में मतलब कि नए जमाने की शायरी वगैरह जो मोबाइल से देख देख कर लिखती थी, लेकिन इसमें रूह भरी तड़प भरी शायरी लिखी हुई है फ्रेंड, बहुत ही पुरानी है इसमें, और बताओ बहुत 2006 की डायरी है। अब समझ जाओ कितनी पुरानी डायरी है ये, अब समझ जाओ बहुत ही पुरानी डायरी है। सागर में भरा पानी घड़े में ना समाए, दिल में भरा प्यार खत में ना लिखा जाए, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, दोस्ती एक से होती है हजारों से नहीं। ये मेरी लिखी हुई शायरी है, इधर से यहाँ पे फ्रंट कैमरा तो दिखेगा नहीं, ये मेरी लिखी हुई शायरी है। तो ये शायरी तो आप समझ गए कि नए जमाने की शायरी है, पुराने जमाने की मैं आपको लिख के बता रही हूँ। होठों की हंसी देख ली अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा, चमन से फूल खिलते हैं गले का हार बनके, बनने को खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया किसी से प्यार करने के, वाह वाह दिल छू जाता। बहुत ही अच्छे इसमें दोहे लिखे हुए हैं, पलट कर देख ले जालिम तमन्ना, हम भी रखते हैं तुम हुस्न रखती हो,
तो इस हम भी रखते हैं, बहुत ही अच्छी है। क्या कैसा लगा आपको ये शायरी लिख के? चेहरे की उदासी कह रही है मुझसे बिछड़ कर तू भी बेकार है, सूरज छिपा आसमान में धूप कैसे होगी, आप हमसे दूर हैं मुलाकात कैसे होगी। ये 2005 की डायरी है, ये बड़ी वाली 2005 की डायरी हुई और ये 2006 की है डायरी छोटी वाली, लेकिन इनको मैं अभी तक संभाल के रखी हुई हूँ फ्रेंड। तो सोचिए कितना पुराना है ये डायरी। जिसके मन में कपट है वह कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसमें त्याग है वही प्रसन्न है, बाकी सब गम का आसभाव है, आलस आपके लिए मृत्यु है और केवल परिश्रम आपका जीवन है। स्वामी राम तीर्थ, ये सब वो है जो मतलब हिंदी में जो काव्य वगैरह होते हैं, कवि वगैरह वो जो लिखते थे, ये तो वो है, आप समझ ही गए होंगे, वचन है ये, इनको तो आप समझ ही गए होंगे। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छी शायरी लिखी हुई है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दिसंबर गया जनवरी आई, नया साल की ढेर सारी बधाई, धोखा दिया था जब तुमने मुझे तब दिल से, मैं नाराज था फिर सोचा कि दिल से तुम्हें निकाल दूं, मगर वह कमबख्त दिल भी तुम्हारे पास था। वो पानी का एक कतरा है जो आंख से बह जाए, आंसू तो वो है जो तड़प के आंखों में ही रह जाए, पलकों पर अपनी बिठाया है तुम्हें, बड़ी दुआओं के बाद पाया है तुम्हें, आसानी से नहीं मिले हो तुम, नेशनल जुलो जीफल पार्क से चुराया तुम्हें। ये मेरी लिखी हुई शायरी है, मैं अपनी ही सुना रही हूँ। फेंक पानी में पत्थर उसे भी कोई पीता है, यू मत रहो उदास तुम्हें भी देख कर कोई जीता है। वाह वाह वाह, ये मेरी लिखी हुई है। किस्मत पे एतबार किसको है, मिल जाए खुशी इनकार किसको है, कुछ मजबूरियां हैं जिंदगी में यार, वरना जुदाई से प्यार किसको है। फ्रेंड हर मौसम बदल रहा है, दुनिया की देख कर मेरी सहेली तुम ना बदलना वक्त देख कर, ये मेरी लिखी हुई है। तैरना है तो पानी में आओ किनारों में क्या रखा है, प्यार करना है तो बाहों में आओ इशारों में क्या रखा है, क्या जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब जिंदगी शमशान बन जाए, ए दोस्त उस दिन का इंतजार है जब ये जिंदगी तुम्हारे काम आ जाए, क्या है ये वादे क्या है ये कसमें, हमको विश्वास नहीं है इनमें बस है विश्वास हमको तुम में, क्योंकि करते हैं प्यार करते हैं सिर्फ तुमसे। ये बहुत ही अच्छा, मोहब्बत को जब लोग खुदा मानते हैं तो प्यार करने वालों को क्यों बुरा मानते हैं, जब जमाना ही पत्थर दिल का है तो फिर पत्थरों से लोग क्यों दुआ मांगते हैं, दोस्ती हर चेहरे की मीठी मुस्कान होती है, दोस्ती ही सुख दुख की पहचान होती है, रूठ भी गए हम तो दिल पर मत लेना, क्योंकि दोस्ती जरा सी नादान होती है, एक खिलौना टूट जाएगा नया खिलौना मिल जाएगा, मैं नहीं तो कोई तुझको दूसरा मिल जाएगा, भागता हूँ हर तरफ ऐसे हक के साथ साथ, जिस तरह सच मुझ उसे उसका पता मिल जाएगा, जो शादी करते हैं वो गुलाब रहते हैं, जो प्यार करते हैं वो परेशान रहते हैं, जो लव करते हैं वो देवदास रहते हैं, जो हमसे दोस्ती करते हैं वो बिंदास रहते हैं, जी हाँ नो टेंशन। मौसम ने ली अंगड़ाई और निकाल ली आपने रजाई, आइसक्रीम से हुई लड़ाई और मूंगफली घर में आई, शरबत से मुंह मोड़ लिया चाय से नाता जोड़ लिया, जरा सी बारिश क्या पड़ी आपने नहाना ही छोड़ दिया। गाना तो फ्रेंड पूरा मैं नहीं सुना सकती, इसमें 2006 की डायरी है और ये 2005 की डायरी है, तो सोचिए कितनी पुरानी शायरी है। तो फ्रेंड देखिए अभी तक इनको इतनी पुरानी यादें संभाल के रखी हूँ फ्रेंड, बताइए शॉर्ट वीडियो में एक एक लाइन लिखूंगी, एक एक शायरी का वीडियो बना के अपलोड कर। तो फ्रेंड पहले के जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं चलते थे, ये चिट्ठी कबूतर ये सब चला करते थे, पहले मोबाइल नहीं चला करते थे तो लोग चिट्ठियां भेजा करते थे एक दूसरे को, शायरी लव लेटर भेजा करते थे लिख लिख कर, तो वही सब शायरी इसमें जितनी भी डायरी में है वो जितने भी पुराने शायरी वगैरह सब इसमें अपलोड की गई है, मतलब लिखा हुआ है इसमें। अब है तो मोबाइल के आगे शेरो शायरी ये सब कहाँ लोगों को याद आता है, लेकिन पहले का ज़माना जो था पहले की बात ही कुछ अलग थी, पहले हम तो नहीं थे, मतलब सुनते हैं हम लोग, हमारे ज़माने में मोबाइल आया था बचपन से, मतलब कि हमने देखा तो कीपैड आया था सबसे फर्स्ट बार जब मैं छोटी थी तो कीपैड नोकिया का मोबाइल आया था हमारे घर में, तो नोकिया के ज़माने में जब मैं छोटी बहुत छोटी थी मैं, नोकिया का मोबाइल आया था फर्स्ट बार हमारे घर में,
और दीदी लोगों के टाइम में तो फिर हमारे टाइम 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 तक ये मोबाइल वगैरह चल गया, तो चिट्ठी वगैरह लव लेटर ये सब कहाँ अब चलता है। लेकिन कहते नहीं पहले के वो जो वक्त है, पहले का जो प्यार मोहब्बत एहसास रूह से हुआ करता था, क्या तड़प रहती थी लोग, एक हफ्ते में चिट्ठियाँ आती थी, एक एक महीने में चिट्ठियाँ आती थी, तो पहले की जो जिक्र, पहले का जो तड़प था, तो वो उसकी बात ही अलग रहती थी। लेकिन अब कहाँ, अब मोबाइल के आगे सब बेकार हो गया, हम लोग भी बिगड़ गए हैं। और ऐसी बात नहीं, हम लोग मोबाइल ही चलाते हैं, मोबाइल में ही तो वीडियो शूट कर रहे हैं। जब से ये सब ब्लॉगिंग वगैरह सब आ गया तो जितने भी पहले के प्यार भरे पल थे सब भूल गए। लेकिन फिर भी मैंने इन डायरी को संभाल के रखा हुआ था, वरना ये डायरी जाने कब की फेंक जाती, जाने कब की पूरी तरह से फट गई थी। इनको मैंने चिपका चिपका कर, देखिए यहाँ से पूरी फट गई थी, पूरी फटी उटी थी। लेकिन फिर भी मैं छोटी थी, बचपन से इनको मैं संभाल के रखी थी कि एक ना एक दिन काम आएगी। तो वाकई याद रख लाई ये डायरी, चिपका देती थी यहाँ पे कि फटे ना, एक एक पन्ने को मैं विस्तार से चिपका चिपका कर सहेज के रखी थी बिना किसी वजह के। पता नहीं, मतलब मुझे इतना शौक रहता था हर यादों को बटोरने की, बचपन से मुझे आदत थी और आज भी है, ऐसे बात नहीं, पहले से इतना टैलेंट नहीं था। तो आज ये काम आई, मैंने कहा आज आपके सामने पेश करूँगी। इसमें क्या लिखा पूरा नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि वीडियो बाकी में बहुत लॉन्ग हो भी गया है वीडियो। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन चिट्ठी से शुरुआत किया है, कौन कौन के ज़माने में चिट्ठियों का वो चलता था पहले माहौल, कबूतर वगैरह जो चलते थे। और मतलब कि आपके कमेंट में बताइएगा किस किस के ज़माने में ये चिट्ठी वाला ज़माना था, चिट्ठी कबूतर वाला ज़माना, ज़रूर बताइएगा। और कब से तुम लोगों के मतलब कि कितने छोटे थे, कब से मोबाइल आपके घर में आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कहते नहीं पहले रूह से प्यार होता था, वो तड़प रहती थी। कोई नहीं, हटाइए, खैर बाकी मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा, फिलहाल आप इतने समझदार हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँ। तो मैं पूरा आपको विस्तार से नहीं बता पाऊँगी, बस इतना ही मैंने थोड़ा सा आपको लफ्जा बताया कि इसमें ऐसे ऐसे शायरी लिखी हुई हैं, बहुत ही प्यारी लाइनें हैं, बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। तो फ्रेंड इनको मैं बहुत ही, अभी तक ये दोनों डायरी को संभाल के रखी हूँ। कुछ लाइनें मेरी लाइनें तो ज़्यादा खास नहीं है, मेरी लाइनें तो बस जो छोटे छोटे मोबाइल में आती थी तो वही लिखी हुई हैं, जो मतलब फिल्मी गाने आया करते थे तो उनको मैं लिख लेती थी। यही जो फिल्मी गाने आप रोजाना सुनते होंगे, ये मेरी दीदी की लाइनें खास थी तो उनको मैंने सुनाया, बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। तो एक एक करके न्यूवर्स आ रहा है, मैं शॉर्ट वीडियो में आपको सुनाऊंगी, आप सुनिएगा। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह मैं अपलोड करती हूँ वीडियो और शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम में डालती रहती हूँ, फेसबुक, यूट्यूब में तो फिलहाल आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब में भी अपलोड करती हूँ। कहीं भी आप सर्च करिए पिंकी देवी कबीर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में मेरा तीनों चैनल इसी नाम से चलता है, हर चैनल मेरा इसी नाम से चलता है, पिंकी देवी कबीर। तो फ्रेंड बहुत लॉन्ग हो जाएगा, वैसे भी मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, मेरे मोबाइल में इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं है कि मैं इतना लॉन्ग आपको सुना पाऊँ, बस थोड़े ही बहुत मैंने सुनाया। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और जो मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग में, तो अच्छे से ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल।